शीर्षक है इटरनल लाइफ, अनंत जीवन। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, अनंत जीवन ऐसा जीवन है कि जीवन में सबसे उच्चतम भाग है अनंत जीवन, जो कभी नहीं मरने वाला जीवन है। अनंत जो शब्द है, अनंत शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा का आयु या युग शब्द से आता है। अनंत युग या आयु शब्द से आता है। यदि अनंत जीवन वह जीवन नहीं था जो जीवन नष्ट होता, लेकिन अनंत जीवन वह जीवन है जो जीवन आने वाला युग में भी मिल सकता है। आइए मेरे साथ योना रची सुसमाचार, योना रची सुसमाचार चार अध्याय दसवां पद निकालें, चार अध्याय का दसवां पद। योना रची सुसमाचार चार का दस पद। हालेलुया, मिला। पढ़िए जोर से, पढ़ाई। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वह मुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। क्या बोलता यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तू से कहता है कि मुझे पानी पिला तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ ये कहानी सामरी स्त्री और यीशु के बीच का वार्तालाप है। सामरी लोगों का छुआ हुआ, यहूदी लोग नहीं पीते थे, नहीं खाते थे। अभी का समय में जनजाति या अभी का समय में छोटा जात जो बोलता है वैसे थे सामरी लोग। दिन का समय था, यीशु ने अपने चेले लोगों को बाजार से कोई चीज खरीदने के लिए भेज दिए और अपने आप कुआं के पास चले गए। अंतर्यामी परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता प्रभु, उनको मालूम था कुआं में कोई कार्य होने जा रहे, तो कुआं में एक सामरी स्त्री आई। पहिरावा से यहूदी लोगों को जाना जाता और सामरी लोगों को जाना जाता, और इसने कहा हे स्त्री मुझे पानी पिला दे। और स्त्री कहती मैं तो छोटा जाति सामरी हूं, तू यहूदी है कैसे मुझसे पानी मांगता है। तो यीशु बोलते हैं यदि तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है तू मुझसे पानी मांगती और मैं वो पानी देता जो कभी प्यासा नहीं होता। प्रभु अनंत जीवन का बात कर रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं ये औरत का जीवन खाली बसता नहीं, इसके द्वारा पूरा लोगों का जीवन बसता है। परमेश्वर का योजना वहां होता है। मेरे प्रियो 13 और 14 भी पढ़े, 13 और 14 इसी चार का 13-14 में क्या बोलता है जोर से, क्या बोलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। वन जल, वन जल, कुआं का जल जो कोई पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उनका एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का देने वाला जल अनंत जीवन है, अनंत जीवन जो कभी नहीं मरने वाला जीवन है। मेरे प्रियो अनंत जीवन वह जीवन है, मैं बोल चुके हैं आने वाले युग का जीवन। आपको मालूम है आप और हम कभी नहीं मरते, किसी का 40 पद पढ़िए, 4 का 40। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। बोलता हालेलुया। आपको मालूम है 2 दिन तक वहाँ रह के लोगों को संदेश सुनाने लगा, वार्तालाप शुरू हुआ था और वहाँ का लोग अनंत जीवन का भागी बन गए। मेरे प्रिय अनंत जीवन क्या है? तो अनंत जीवन वह है जो जीवन कभी नहीं मरता। मत्ती का 25वां अंतिम दिन का बारे में आपको बताया था, प्रकाश वाक्य प्रभु का अंतिम दंड के बारे में आप सुन लिए थे। क्या बोलता हूँ जो
प्रभु का आज्ञा को नहीं मानते हैं वो लोग अनंत दंड के बोल जाएंगे। एक दिन प्रभु जब बादलों के ऊपर में आएगा, न्याय के लिए बैठेगा, उस समय जीवन की पुस्तक खुलेगी। अब पढ़े ना वहां जीवन का पुस्तक में नाम हुए लोग इधर, नाम नहीं हुए लोग उधर। तो इधर के लोग अनंत जीवन के लिए, इधर के अनंत दंड के लिए जग गंधक आग नहीं मिलता। इसलिए बार बार हम बोलते हैं आप और हम मशीनों का जन्म दो बार होता है, मृत्यु एक बार। लेकिन जो यीशु को नहीं जानते उन लोगों का जन्म एक बार, मृत्यु दो बार होता है। इसका मतलब आप और हम एक बार माँ का शरीर से जन्म लेते हैं और दूसरा बार प्रभु यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा जल का दीक्षा के द्वारा जन्म लेते हैं दो बार। और मृत्यु हम लोग का शारीरिक मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा में हम लोग नहीं मरते हैं। अदृश्य शरीर अनंत काल के लिए हम लोग का उस जगह में जाते हैं जहाँ का राजा यीशु बनेंगे और हम लोग उसके साथ रहेंगे। और बच्चन कहता सोना का रास्ता होगा, उस जगह में धूप नहीं होगी, दुख नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अनंत जीवन वह जीवन है जो कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रियो, अनंत जीवन भौतिक और क्षणिक जीवन का विपरीत है। अभी आप और हम लोग गवाही को सुन रहे थे, आप और हम लोग गवाही को सुन रहे थे। मालूम है आपको, दुख है, बीमार थे, प्रभु ने चंगा किया, धन्यवाद। लेकिन इसका दस विपरीत सोचे, उस जीवन में दुख नहीं आएगी, उस जीवन में आंसू बगाना नहीं पड़ता, उस जीवन में लू ना बगेगी। ऐसा जीवन जो आप और मेरा आत्मिक जगत का जीवन है, वहाँ आत्मिक बातें होगी, चोरी नहीं, लड़की नहीं, बेचा नहीं, जय झगड़ा नहीं, वहाँ सारे लोग एक साथ में छाट के पहुंच जाएंगे। हालेलुया, उसको अनंत जीवन बोलता है। मेरे प्रियो, योना रचि सुसमाचार 6 अध्याय 63:63 योना रचि सुसमाचार 6 अध्याय 63 पद में क्या लिखता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का नहीं, 6:63 पद में बोलता आत्मा को जीवन, आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया, मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनंत जीवन का आनंद उठा सकता है। मेरे प्रियो, आपके ऊपर में सुने, आपके ऊपर में आपको मालूम है, क्षण भर का चीजों के लिए हम लोग अपने आप को प्रभु का प्रेम को छोड़ देते हैं और उधर भाग जाते हैं और समस्या आ जाती है। मालूम है हम लोग के ऊपर में अनंत जीवन का लाभ उठाना, यीशु प्रभु में हम लोग को उद्धार मिल चुका है तो अनंत जीवन उसे मिलता है। लेकिन बार बार पाप करना, कल रात को भी हम लोग बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे सोनी का घर में भी, रात रात बार बार पाप करना, प्रभु मैंने पाप किया मुझे क्षमा कर दो, जब का दीक्षा लेने के लिए रोक लेता प्रभु प्रभु कहने तो मिल तो जाता, लेकिन मिल के भी क्या होगा, वो लाइन में जाने के बाद प्रभु कहता मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं दुष्ट काम करने भाग जा। उस दिन क्या होगा, संडे का दिन आने का भी बर्बाद, गाय का फिर देने का भी बर्बाद। प्रभु बोलता मैं नहीं जानता हूँ, क्यों बार बार पाप। हालेलुया, मेरे प्रियो हम लगातार जा रहे हैं योना रचि सुसमाचार 6:63 पद में हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनंत जीवन का आनंद उठा सकता है। आइए एक बार फिर पढ़ें 6:63 पद में क्या बोलता है, किसी को मिला तो पढ़ दीजिए, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखता है, सुने, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, मेरे प्रियो वही जीवन है जो बात मैंने तुमसे कही है, बोल रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर का अपना इच्छा, परमेश्वर का अपना इच्छा के अनुसार अनंत जीवन का भागी आप और हम हो सकते हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा मनुष्यों को यह अनंत जीवन मिल सकता है। पहले योना की पुस्तक 5:20 पद में यही बोलता है, सुने हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। पहले योना की पुस्तक 5:20 यहाँ ऐसा बोलता है, क्या बोलता है सुने, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दिया है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सच्चे हैं
अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अनंत जीवन देने वाला, प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यदि ऐसा है तो आपके पास मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप जानते हैं मंडली आ रहे हैं, आप संगति में बढ़ रहे हैं, आप क्या जानते हैं कि आप अनंत जीवन का भागी बन चुके हैं या अनंत जीवन का भागी बन पाएंगे आप? मेरे प्रिय रोमी का पुस्तक 6:23 क्या बोलता है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है परंतु प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। इसका मतलब यह परमेश्वर का दान है। मनुष्य अपने प्रयत्नों से अनंत जीवन प्राप्त कर नहीं सकता। मेरे प्रियो अब्राहम दुकान किराना दुकान में जाके खरीद कर नहीं सकते अनंत जीवन, लेकिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करने के बाद, पापों से पश्चाताप करने के बाद हम लोग अनंत जीवन का भागी बन सकते हैं। क्योंकि योना रचित सुसमाचार 3:16 में बोलता है, आपको संडे स्कूल से ही आपको याद है क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। 17:3 क्या बोलता है, आइए हम लोग पढ़े। 17:3 में ऐसा बोलता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुज एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। मेरे प्रियो यदि पहला योना 5:12 पढ़ेंगे तो वहां पाप से पश्चाताप करने के बाद अनंत जीवन मिलता है। पहला योना 5:12 हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, सुनिए 5:12 में क्या बोलता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यदि प्रभु यीशु का अपना पापों से पश्चाताप करते हुए यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करेंगे तब तो अनंत जीवन आपका है। मेरे प्रियो प्रभु पापों से पश्चाताप के बाद अनंत जीवन आपको देता है। फिर योना रचित सुसमाचार 5:24 में क्या बोलता है, सुने 5:24 एक दो बार हम लोग इस पदों को पढ़ना होगा। 5:24 में ऐसा लिखता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया मेरे प्रियो प्रभु यीशु परमेश्वर ने भेजा हुआ उसका एकमात्र पुत्र, उसके ऊपर हम विश्वास करना, वो उद्धार प्राप्त करना और उद्धार के साथ में अनंत जीवन उसी में प्रवेश पाना, और आप हम यीशु को जानते ही प्रभु अनंत जीवन का भागी बन सकते हैं। मेरे प्रियो पहला योना की पुस्तक 5:13 फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बोलता, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए आप परमेश्वर का पुत्र को जानना अनंत जीवन को जानना है। मेरे प्रियो यदि आप जानेंगे पाप और मृत्यु से प्रभावित इस जगत का एक भाग होने के कारण विश्वास को भौतिक मृत्यु से होकर निकलना पड़ सकता है और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। पहला योना 5:24 जो पद मैं आपको उस समय बोल रहे थे एक दो बार पढ़ेंगे। यहाँ बोलता है, सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, वहां दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो और अनंत जीवन आप और मेरा है। यदि आप उसके पास आएंगे मीन्स यीशु के पास अनंत जीवन आपका है। हालेलुया सॉरी और मत्ती के पुस्तक 25:46 में आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं यीशु के आगमन पर विश्वासी लोग मृतकों में से जिला उठाए जाएंगे कि ये पुनरुत्थान के महिमामय जीवन और सिद्धता सामर्थ्य और अमरता का आनंद उठाएंगे। मेरे प्रियो आइए हम लोग पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 25:46 यहाँ क्या बोलता है। मत्ती 25:46 पद यहाँ बोलता है 25:46 क्या बोलता है, और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कौन लोग, जो पापी लोग कुकर्मी लोग अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो रोमी का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे 2:7 रोमी 2:7 में पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं। मेरे प्रियो क्या पाते हैं, सुनिए 2:7 में ऐसा बोलता, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता को खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हालेलुया मेरे प्रियो आज मैं आपके साथ चैलेंजिंग करने चाहता हूँ। आज
अनंत जीवन उनका है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसका आज्ञा को मानते हैं। और विश्वास यह नहीं कि विश्वास करने वाला या पश्चाताप नहीं करने वालों के पास आएगा, नहीं मेरे प्रियो, पश्चाताप करना होगा, यीशु के साथ आगे बढ़ना होगा, अनंत जीवन आपका है। आपके पास से अनंत जीवन कोई भी ले नहीं सकता मेरे प्रियो, यदि यीशु आपके पास है, अनंत जीवन आपके पास है। हालेलुया। तो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम लोग को यीशु को जानना होगा। अनंत जीवन दंड नहीं, और दंड नहीं तो वहां अनंत जीवन आप पर मेरे पास है। अनंत जीवन जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए आपको मैं बार बार बोलते हैं, विश्वासी लोग दो बार जन्म लेते हैं, एक बार मरते हैं। या हालेलुया। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग एक बार जन्म लेते हैं, दो बार मरते हैं। आप पर हम यीशु में जन्म लिए, जल का जन्म लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तो हम लोग का जीवन प्रभु में अनंत जीवन के लिए जाएंगे। हम लोग कभी नहीं मरेंगे, ये शरीर संसारी शरीर को भौतिक शरीर यहाँ छोड़ेंगे, अमृता का जीवन में जाएंगे, अनंत जीवन प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु आप समूह का आशीष दे, संसार भर जहाँ से भी आप लोग ये ऑनलाइन में सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करें, महिमा करें आप समूह को। मसीह अभिवादन, जय मसीह।